हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला, जिसको मैंने वॉश करके साफ कपड़े से पोंछकर इसके डंडल निकालकर काट लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। इसे हम कम मसालों में आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया, 4-5 प्याज रफली कटे हुए, 1/2 ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, बाकी का हम ये भिंडी डाल के इसके बाद फ्राई हो गए। इसको हम 3-4 मिनट ऐसे ही भुनेंगे फुल आंच पे। अब हमें 4 मिनट हो गए, इसकी फ्लेम हम लो कर देंगे। इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे पी निकाल के, जिससे इसकी लार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी भिंडी को लो फ्लेम पे 10 मिनट हो गए, इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अभी इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट और लगेंगे बनने में। हमारी भिंडी मसाला बनकर तैयार है। इसे हम चपाती परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।